रियल एस्टेट मार्केट जो है कंट्री में करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है। 13 लाख यूनिट्स ऐसी हैं जो बनी हुई हैं लेकिन वो बिकी हुई नहीं है, और करीब 4 लाख यूनिट्स ऐसी हैं जो केवल 8 शहरों में हैं, जो कि बनने के बावजूद बिक नहीं पाई हैं। तो ये जो ई कॉमर्स पोर्टल हाउसिंग के लिए बनाया गया है, ये जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, अनसोल्ड इन्वेंट्री को निकालने में बड़ा भारी सहायक होगा और इससे रियल एस्टेट की ग्रोथ में बड़ा भारी फायदा होगा। इस प्रकार की जो एक कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, जहाँ ये housingforall.com पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है और माननीय मंत्री महोदय भी यहाँ आ रहे हैं, और इसमें रियल एस्टेट से संबंधित कुछ अन्य विषयों पर भी बातचीत होगी, क्योंकि अब बजट आने वाला है और रियल एस्टेट सेक्टर बजट से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। यदि 43CA वो हट जाता है तो वो भी एक रियल एस्टेट की ग्रोथ में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि कलेक्टर रेट आज बहुत ज़्यादा फिक्स की हुई हैं, और यदि कलेक्टर रेट से कम पर आप रजिस्ट्री कराते हो तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो 43CA है या GST में जो डेफिनेशन है और इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन है, उन डेफिनेशंस में फ़र्क है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है या टैक्स की जो एग्जम्पशंस हैं, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जो दी गई, वो हाउसिंग फॉर ऑल, जहां हम कहते हैं कि 2022 तक पूरे कंट्री की हम हाउसिंग इसका समाधान करेंगे, तो ये जो इस प्रकार के जो कंसेशंस थे, ये कंसेशंस बजाय पीसमील में होने के, इनको लगातार जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक जारी रहने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पोर्टल के माध्यम से जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो ख़त्म होगी, और जिसके कारण रियल एस्टेट की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान इस पोर्टल का होगा। थैंक यू।